वेलकम बैक दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दक्षता परीक्षा की बेहतर तैयारी करा रहे हैं। अगर आप दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट चाहते हैं, पीडीएफ या प्रिंटेड क्रैश कोर्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के पर्यावरण को लेकर आए हैं और एक एक चैप्टर के सारांश आपको समझाएंगे, चैप्टर से लिए गए मुख्य बिंदु आपको बतलाएंगे, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों से आपकी परीक्षा में प्रश्न उठाए जाएंगे। ये जो पुस्तक है एससीईआरटी की पुस्तक है और इस पुस्तक को हमारी एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत पर आप पढ़ पाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बगैर किसी देरी के हम ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझाते हैं पुस्तकों से लिए गए मुख्य बिंदु। कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ पुस्तक का जो पहला चैप्टर है, अध्याय 1, वह है पटना से नाथुला की यात्रा। पटना एक शहर है, एक राजधानी है हमारे बिहार की, और नाथुला भी एक दर्शनीय स्थल है, सांस्कृतिक धरोहर है। पटना से नाथुला की यात्रा होती है। यह यात्रा जो है 8 नवंबर 2010 की है। यह नाथुला सिक्किम की राजधानी गंगटोक के आसपास है। इस बीच जाने के क्रम में एक शहर आता है दार्जिलिंग। यह दार्जिलिंग शहर पश्चिम बंगाल राज्य का एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि दार्जिलिंग कहाँ है। चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में। तो सही जवाब हो जाता है पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग जो है एक ठंडी जगह है। यहाँ ठंड पड़ना, सर्दी के कपड़े पहनना आम बात है। यहाँ एक पहाड़ी है जिसे टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक पहाड़ी नजर आती है जिसका नाम है कंचनजंगा। यह सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। आपको दार्जिलिंग में देखने के लिए चाय के बागान मिलेंगे, बहुत सारे चिड़ियाघर मिलेंगे। इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है जिसे अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर आपको पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लॉयड बॉटनिकल गार्डन है जहाँ तितलियाँ मिलती है। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क है जहाँ हिमालय जीव जंतु ने विशेष रूप से पाए जाते हैं। इस जूलॉजिकल पार्क के अलावा अन्य जगहों पर एक पशु देखने को मिलते हैं जिसके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं। ये लंबे बाल इसलिए होते हैं कि यह ठंडे इलाके में खुद को एडजस्ट कर सके। इस पशु का नाम है याक। पहाड़ी जगहों पर एक खास रास्ता होता है जिससे सफर किया जाता है, आनंद लिया जाता है, वह कहलाता है रूप वे। ये जो रहता है रस्सी में गाड़ी चलती है। ये जो है जमीन पे गाड़ी नहीं रहती बल्कि रस्सी से लटकते हुए आगे की ओर बढ़ती है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, यह समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर एक संस्थान है जिसे हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के नाम से जाना जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1954 में हुई थी और इसलिए की गई थी कि भारत ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया था। ये जो पर्वतरोही दल होते हैं अपने साथ टेंट की रस्सी और जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े आदि लेकर जाते हैं। इनको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए कुछ कुली या गाइड होते हैं जो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दार्जिलिंग में इस गाइड को सिरदार कहा जाता है। ये जो पर्वतरोही है ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाई का सामना करते हैं, जैसे बारिश हो गया, आंधी तूफान हो गया, अत्यधिक ठंड हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गया। इन सब समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। उन्हें जो है विशेष प्रकार के बने जूते पहनाए जाते हैं और विशेष कपड़े पहनाए जाते हैं। उन्हें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए जाते हैं ताकि जहां ऑक्सीजन की कमी हो वो आसानी से सांस ले सके और अपना जीवन बचा सके। गंगटोक शहर जो है सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित है, यानी पहाड़ी इलाका है।
यह पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया शहर है। सिक्किम जो है पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। यहाँ की मुख्य नदी तिस्ता है। यहाँ मुख्यतः लेपचा, नेपाली, भुटिया तीन जातियां निवास करती है। यहाँ के लोग जो है मेहनती हैं, सीधे सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े एवं मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती है। गंगटोक शहर जो है बौद्ध धर्म का भी धार्मिक स्थल है, एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ रूमटेक मोंटेसरी, जिसे करमापा के नाम से जाना जाता है, जो एक बौद्ध धर्म के गुरु थे, उनका निवास है। इसी बीच में एक शहर है नाथुला, जो समुद्र तल से 14,500 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यानी पहाड़ की टॉप चोटी पर बसा यह शहर है। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यानी नाथुला शहर जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ की जो सड़क होती है वो सांप की तरह घुमावदार होती है। कारण यह है कि पहाड़ी पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आप सीधे नहीं चढ़ सकते। पहाड़ों को गोल गोल काट काट कर जो है रास्ता बनाया जाता है, इसलिए सड़क जो है सांप की तरह घुमावदार दिखती है। नाथुला में जो है बर्फ की चादर बिछी रहती है, क्योंकि ऊंचाई पर मौसम ठंडा हो जाता है और बर्फ गिरता है। इस ऊंचाई पर भी हमारे देश के सैनिक मौजूद थे और तिरंगा लहरा रहा था और सरहद की रक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर चीन का भी झंडा लहरा रहा था, क्योंकि नाथुला शहर जो है भारत और चीन की सीमा पर अवस्थित है। ये जो नाथुला का रास्ता था प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के जो यात्री थे इसी कठिन मार्ग से चलकर हमारे बिहार आया करते थे। और क्यों आया करते थे? पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे बिहार में उस समय विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया जैसे शहर शिक्षा के बड़े केंद्र थे। दोस्तों, पहले अध्याय के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। दोस्तों, दो तरह के खेल होते हैं। एक होते हैं इंडोर गेम, दूसरे होते हैं आउटडोर गेम। इंडोर गेम उसे कहते हैं जो घर में खेले जाते हैं, आउटडोर गेम उसे कहते हैं जो बाहर खेले जाते हैं। इंडोर गेम में आप बतलाएं कि कौन कौन से खेल आते हैं। लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, शतरंज हो गया, ताश हो गया, आदि कुछ और गेम हैं जो घर में खेले जाते हैं। लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिसे घर में खेलना संभव नहीं है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, बैडमिंटन। इन सब को खेलने के लिए आपको एक मैदान की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे खेल बाहर में खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं, जिसे आउटडोर गेम कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और खेल होते हैं, जैसे एक खेल है मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट क्या होता है, आइए हम जानते हैं। मास्टर आर्ट एक खेल होता है जिसे युद्ध कला कहते हैं, यानी लड़ाई करने का एक खेल होता है। इसमें अपनी सुरक्षा की जाती है। यह खेल काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस सीख पाएंगे, खुद की रक्षा करना सीख पाएंगे, बुरे वक्त में आप खुद को बचा पाएंगे। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती आ रही है। कुश्ती खेल इस प्रकार की है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, ये हमारे भारत की खेल है। एक खेल है सुमो, ये जापान की खेल है। सिख समुदाय का एक खेल है जो गतका के नाम से जाना जाता है। आज के समय में जूडो, कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट हैं। यानी मार्शल आर्ट का उदाहरण कुश्ती, सुमो, गतका, जूडो, कराटे, ये सब के सब आते हैं। इस खेल के माध्यम से आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, खुद की रक्षा करना सीख पाएंगे। ये जो गतका मार्शल आर्ट है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेल खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है, या आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग वैशाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। सिख धर्म का एक पर्व है जो वैसाखी के नाम से जाना जाता है,
और दूसरा पर्व है गुरु गोविंद सिंह जयंती। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोग गतका खेल खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलने लगे हैं। आप व्यायाम और योगा को भी एक खेल मान सकते हैं। गर्व की बात यह है कि यह हमारे देश में ही पल्ली बढ़ने वाली स्वास्थ्य रखने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तीसरा जो अध्याय है जिसका शीर्षक है बीजों का बिखरना, ये कक्षा 5 की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से लिया गया शीर्षक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिसका नाम था वर्धमान महावीर। जमुई जिला का एक गांव है लछुआड़, यह जो है भगवान महावीर की जन्म स्थली माना जाता है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि पीपल के जो पौधे होते हैं वो दीवारों पर उग जाते हैं, आखिर कैसे? इसी बात को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो बीज हैं, ये पेड़ पौधे बनते हैं अगर उसे अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए। किसी भी बीज को पेड़ पौधे बनने के लिए, अंकुरित होने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसमें 4 चीज होना चाहिए। पहला मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा ताप, चौथा हवा। अगर चारों चीज उसे मिल जाए तो पत्थर ही क्यों ना हो वहां पौधा उग जाता है। ये बीज जो है बिखर कर इधर उधर चले जाते हैं, चाहे पानी में बहकर जाए, चाहे हवा में बिखर कर जाए, चाहे पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा पहुंचाए। पेड़ पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक है पर्याप्त स्थान होना चाहिए, यानी कंजेस्टेड जगह नहीं होना चाहिए। उसको पर्याप्त मात्रा में हवा पानी मिलना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए क्योंकि मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश होना चाहिए क्योंकि सूर्य प्रकाश से वे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये बीज जो है बिखरते हैं और अलग अलग माध्यम से बिखरते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो चटककर बिखरते हैं। चटककर बिखरने का मतलब यह है कि जब उसके फूल सूखते हैं तो वे खुद उसके फटने के बाद बिखर जाते हैं। उदाहरण के लिए हर सिंगार या गुल मेहंदी के बीज जो होते हैं ये फटकर या चटककर बिखरते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो काफी हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए वह हवा में उड़कर बिखरते हैं। उदाहरण के लिए कपास के बीज। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, चाहे वो नदी का पानी हो, सैलाब का पानी हो, चाहे बरसात का पानी हो। उदाहरण के लिए कमल, कुमुदनी, ये दो पौधे जो होते हैं कीचड़ में ही होते हैं और पानी में इसके बीज बिखर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और वहीं अनुकूल वातावरण ढूंढकर पनपने लगते हैं। लेकिन सब बीज पानी में नहीं बह सकते क्योंकि कुछ बीज होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, कुछ नहीं डूबते हैं। आप उदाहरण लिख सकते हैं। कुछ बीज जो है जानवरों की सवारी का उपयोग करके बिखरते हैं। आपने देखा होगा पौधों के आसपास जानवरों को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़े को, उसके बदन में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। एक बीज होते हैं जो गोखरू की तरह कांटेदार बीज होते हैं। ये बीज आपने देखा होगा, इसी बीज से जो है ज्ञान लेकर के वेलक्रो बनाया गया है। ये पशु पक्षी के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। कुछ बीज की तरफ पक्षियां आकर्षित होती है और उसके शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान सफर तय करती है। इस बीज को पक्षी अपनी चोंच में चिपकाकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अगर उन्हें अनुकूल वातावरण मिल जाए तो वहीं पनपने लगते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बरगद, पीपल, अमरूद के बीज, ये सब पक्षियों द्वारा बिखेरे जाते हैं। दोस्तों, ये बीजों का बिखरना काफी फायदेमंद है। आज हम एक पौधे नहीं रोप पाते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस बीजों के बिखरने से हजारों वर्षों से पौधों की प्रजातियां सुरक्षित है। यह हमारे लिए काफी उपयोगी है और हमें वह फल फूल पौधे आसानी से हर जगह देखने को मिल जाते हैं, जिसे अनुकूल वातावरण देना हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, चौथा चैप्टर है मेरा बगीचा। दोस्तों, जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, इन सबों को प्राकृतिक वातावरण मिलेगा तभी वे फलते फूलते हैं। अगर हम चाहें तो इनके लिए वही व्यवस्था कर सकते हैं जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। इन्हें भी
अनुकूल वातावरण देकर हम जो है जीवन दे सकते हैं। जिस अनुकूल वातावरण में हम इसे जीवन देंगे यही बगीचा कहलाता है। जब आप बगीचे में जाएंगे तो अलग अलग तरह के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, तितलियों के भी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। जब हम पेड़ पौधे को लैब में एक प्राकृतिक वातावरण देते हैं तो वह हर्बेरियम कहलाता है। जितने भी पौधे होते हैं उनके जड़ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इतना ही नहीं उनकी पत्तियां भी एक दूसरे से अलग होती है। ये पत्तियों का आकार बतलाता है कि इनका विकास कौन से वातावरण में हो रहा है। मैदानी इलाके जहाँ पानी की भरपूर मात्रा होती है वहाँ के पत्ते चौड़े होते हैं। रेगिस्तानी इलाके जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ के पत्ते पतले होते हैं। पतले इसलिए होते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में वे पानी का उपयोग कम करते हैं। इतना ही नहीं फूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, उसकी बनावट भी इस प्रकार से होती है जो उसके वातावरण को बतलाती है। हर्बेरियम में अलग अलग तरह के पौधे को सम्मिलित किया जाता है, यह एक कोलाज होता है, पोर्टफोलियो होता है जो एक अलग अलग प्रजातियों के पौधों का समूह होता है। आप पौधों की तुलना करके भी देख सकते हैं, जो पौधे बगीचे में उगते हैं उसकी जड़ें छोटी होती है, पानी के पौधे की जड़ें बड़ी होती है। उसके पत्तियों का रंग भी डिफरेंट होता है और पत्तियों के आकार भी बगीचे के और पानी के अलग अलग होते हैं। दो पत्तियों के बीच की दूरी भी अलग होती है जो बगीचे या पानी के होते हैं। एक पौधे हैं जिसका नाम है कैक्टस। ये पौधे जो होते हैं रेत भरे जगहों पर दिखाई देते हैं। कारण ये है कि ये पौधे कांटेदार होते हैं, इसमें पत्ती नहीं होती और कांटे होने की वजह से इस पौधे को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको पता होगा कि रेत वाली जगह पर पानी का अभाव होता है। आप इस कैक्टस को गमले में भी उगा सकते हैं क्योंकि गमले में पानी की कमी होती है। इसके तने मोटे होंगे, इसमें पत्तियां नहीं होगी, ये वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं। बबूल और कैक्टस ये दो पौधे हैं जो मरुभूमि के पौधे हैं। मरुभूमि कहते हैं रेगिस्तानी इलाके को। ये आपको कोलकाता, दिल्ली, गंगटोक और दूसरे शहर में भी दिखाई देंगे। आप इसे अपने घर के बगीचे में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कक्षा 5 की पर्यावरण का जो 5वां अध्याय है उसका शीर्षक है ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक में एक हिस्टोरिकल पैलेस को हम देखेंगे जो अपने बिहार से ताल्लुक रखता है। हमारे बिहार के नालंदा में प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय था जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। आज यह खंडहर बन चुका है। यह जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। कब की थी? 5वीं शताब्दी में। इस विश्वविद्यालय में एक साथ 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और लगभग 2,000 शिक्षक थे। यहाँ जो है देश दुनिया से लोग आते थे और पढ़ते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया से भी लोग यहाँ पढ़ने आते थे। 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक तकरीबन 400 साल तक इसके उत्कर्ष का काल था। यहाँ तक के चीनी यात्री ह्वेनसांग भी यहाँ आकर पढ़े हैं। 20वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। अब इसका अंत कैसे हुआ इसके बारे में आगे जानकारी जानेंगे। इस विश्वविद्यालय का जो भवन था यह भी काफी अनोखा था, प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना था। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। इसका जो मुख्य द्वार था काफी शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण और 10 मंदिर थे जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। यहाँ का जो पुस्तकालय क्षेत्र था धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। यह 9 मंजिला इमारत थी। पुस्तकालय के अलग अलग नाम थे रत्न दधि, रत्न रंजक, रत्न सागर। इस विद्यालय में प्रवेश से पहले प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी और प्रवेश परीक्षा का माध्यम ये था कि 4 द्वार थे। चारों द्वार पर द्वार पंडित यानी स्कॉलर खड़े हुए थे। उसके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही कोई अंदर शिक्षा ग्रहण करने जा सकता था। यह विश्वविद्यालय जो खंडहर बन चुका है इसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शुरू करवाया था और इसे अनेकों विशेषज्ञों की देखरेख में पुनर्जीवित किया जा रहा है। हालांकि इसमें काफी समय लग सकता है लेकिन
हमारे बिहार के लिए यह गर्व की बात है। हमारे बिहार में स्मारक की कमी नहीं है। आपको बिहार में अनेकों स्मारक देखने को मिलेंगे, चाहे मगध की राजधानी हो यानी राजगीर, चाहे पाटलिपुत्र हो यानी वर्तमान पटना, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बोधगया में महात्मा बुद्ध का स्मारक काफी विख्यात है। यहाँ तक के वैशाली में भी भगवान महावीर की जन्मस्थली है। बिहार में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है। इसके अतिरिक्त बिहार सूफी संतों का केंद्र भी रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज भी रहा है। सम्राट अशोक के लौह स्तंभ नंदनगढ़ लौरिया तथा कुल्हा में देखे गए, मोतिहारी के केसरिया, ये सब विश्व के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है। ये सब आप देख रहे होंगे, अशोक स्तंभ का तस्वीर है, ये वैशाली का स्तूप है, ये केसरिया का स्तूप है। पटना संग्रहालय में पटना का गोलघड़ भी काफी अद्वितीय है। ये गोलघर इतना ऊंचा है कि ऊपर चढ़कर आप पूरे पटना शहर को और गंगा का दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद में देव सूरज मंदिर है तथा पावापुरी में जल मंदिर है। यह भी बिहार का धरोहर है। दोस्तों, ये थे 5 चैप्टर जो कक्षा 5 के पर्यावरण से लिए गए थे। अगले क्लास में हम नेक्स्ट 5 चैप्टर को देखेंगे। इसी तरह हम संपूर्ण पुस्तक के सारांश आपको समझाएंगे। दोस्तों, दक्षता परीक्षा का संपूर्ण नोट्स लेने के लिए, PDF व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे प्राइवेट वीडियोज पाने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।